भारतवर्षे केषां महती परम्परा श्रूयते, ग्रन्थानां, शास्त्राणां, पुस्तकानां, मूर्खानां? उत्तर है ख, शास्त्राणां। प्रश्न दो, समस्त ज्ञान के प्रमाणभूत स्रोत स्वरूप कौन है? क, शास्त्राणि। ख, ऋषियः। ग, मुनियः। घ, महापुरुषः। उत्तर है शास्त्राणि। प्रश्न तीन, शास्त्रकाराः शीर्षक पाठ की शैली क्या है? शास्त्रकाराः पाठ जो लिखी गई है वह किस शैली में लिखी गई है? क, व्याख्यान शैली। ख, प्रश्नोत्तर शैली। ग, श्रवण शैली। घ, वाचन शैली। सही उत्तर है प्रश्नोत्तर शैली। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आपने इसके पहले 13 पाठ के अर्थ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, साथ ही सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लिया होगा। आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, अन्यथा कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका सौ समय महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठों का लाभ मिल सके। इस चैनल पर हिंदी संस्कृत से रिलेटेड संपूर्ण बुक और ग्रामर्स के मटेरियल अवेलेबल हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर उन सबों का लाभ उठावें। आपको जिसका उत्तर पता हो आप उसका उत्तर कमेंट में भी जरूर लिखें। प्रश्न चार, वेदस्य कति अंगानि सन्ति? क, चत्वारि। ख, त्रीणि। ग, पंच। घ, षट। उत्तर है षट। शास्त्रम किम बोधयति? शास्त्र क्या बताता है? क, कर्तव्य अकर्तव्य। ख, जीवन जीवनम। ग, सत्य असत्य। घ, निर्जीवम संजीवम। उत्तर है क, कर्तव्य अकर्तव्य। प्रश्न छः, शिक्षा काम बोधयति? शिक्षा किसके बारे में बताती है? क, कर्मकांड। ख, साहित्यम। ग, उच्चारण प्रक्रिया। घ, व्याकरण। उत्तर है उच्चारण प्रक्रिया। प्रश्न सात, पाणिनिना कृतं किं प्रसिद्धं? पाणिनि राइटर का नाम है, उनके द्वारा लिखी हुई क्या चीज़ प्रसिद्ध है? एक, व्याकरण। ख, कल्प। ग, ज्योतिषम। घ, निरुक्तम। उत्तर है व्याकरणम, क्योंकि पाणिनीय व्याकरण अत्यंत प्रसिद्ध होता है। अब आपके सामने प्रश्न दिया जा रहा है, आप उत्तर स्वयं दें और अगर उत्तर आपको आता है तो कमेंट में भी लिखें। प्रश्न आठ, पाणिनीय शिक्षा कस शास्त्रस्य ग्रंथः? पाणिनीय शिक्षा किस शास्त्र का ग्रंथ है? क, छंद। ख, साहित्यम। ग, शिक्षा। घ, कल्प। सही उत्तर है शिक्षा। प्रश्न नौ, कल्पः कीदृशः ग्रंथः? कल्प कैसा ग्रंथ है? क, कर्मकांड ग्रंथ। ख, धर्म ग्रंथ। ग, चोर ग्रंथः। घ, व्यवहार ग्रंथः। उत्तर है कर्मकांड ग्रंथः। प्रश्न दस, निरुक्तस्य कार्यम किम्? क, शब्दार्थ बोध। ख, पदार्थ बोध। ग, वाक्यार्थ बोध। घ, वेदार्थ बोध। सही उत्तर है वेदार्थ बोध। नेक्स्ट प्रश्न है, निरुक्तस्य रचयिता क, निरुक्त के रचयिता कौन है? क, पिंगल। ख, यास्क। ग, कौंडिन्य। घ, पाणिनि। उत्तर होगा यास्क। प्रश्न बारह, छंद शास्त्र से प्रणेता क, छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? क, पराशर। ख, भारद्वाज। ग, वत्स। घ, पिंगल। सही उत्तर है
छंद शास्त्र के रचयिता महर्षि पिंगल हैं। प्रश्न 13, लगध रचितेन किम शास्त्रम। लगध राइटर का नाम है। लगध के द्वारा रचित शास्त्र क्या प्रसिद्ध है। क ज्योतिषम, ख शिक्षा, ग प्राणी विज्ञानम, घ अर्थशास्त्रम। सही उत्तर है ज्योतिषम। प्रश्न 14, कति भारतीय दर्शनानि। भारतीय दर्शन कितने हैं। क चत्वारि, ख पंच, ग षट, घ षोडश। भारतीय दर्शन कितने हैं याद रखेंगे। सही उत्तर है भारतीय दर्शन षट। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। प्रश्न 15, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। कपिल, कनाद, जेमिनी, शंकराचार्य। सही उत्तर है सांख्य दर्शन कपिल। प्रश्न 16, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। भरद्वाज, कात्यायन, पाणिनि, पतंजलि। सही उत्तर है योग दर्शन पतंजलि। प्रश्न 17, महर्षि गौतमेन किन दर्शनम कृतम। महर्षि गौतम के द्वारा कौन से दर्शन की रचना की गई है। क न्याय, ख सांख्य, ग योग, घ वैशेषिक। सही उत्तर है महर्षि गौतम न्याय दर्शन। प्रश्न 18, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। क कपिल, ख कनाद, ग कात्यायन, घ जैमिनी। सही उत्तर है वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद। प्रश्न 19, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। जैमिनी, कश्यप, पतंजलि, पराशर। मीमांसा दर्शन सही उत्तर होगा। मीमांसा दर्शन जैमिनी रचित है। प्रश्न 20, वेदांत दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है। कपिल के द्वारा, कनाद, बादरायन और सुश्रुत। तो सही उत्तर है वेदांत दर्शन बादरायन के द्वारा रचित है। इस प्रकार आपने देख लिया कि ये 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हैं। मित्रों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी यह लाभ हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।